Jai Hind, my dear defense aspirants. Colonel Agrawal, your SSB mentor, is packed with something very interesting for each one of you. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रोचक और दिमाग को खोलने वाली कहानी शेयर करने वाला हूँ. हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और हम 15 अगस्त हर साल इंडिपेंडेंस डे की तरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं. पर क्या आप सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी या नहीं मिली थी, या सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ पावर था? ये जानने के लिए आज आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें. एज एकेडमी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 15 जनवरी को हम आर्मी डे क्यों मनाते हैं, और हमने साथ में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को श्रद्धांजलि भी दी थी. 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने इंडियन आर्मी की कमांड सर रिचर्ड बाउचर से संभाली थी, और वो हमारे देश के प्रथम सेनाध्यक्ष बने थे. और ये संभव इसलिए हुआ था क्योंकि एक सभा में, एक मीटिंग में, लेफ्टिनेंट कर्नल नत्थू सिंह राठौर, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल नत्थू सिंह राठौर बने थे, उन्होंने प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को कहा कि क्या आप अपने देश के एक वीर सैनिक पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या हम उनको अपने देश का सेनाध्यक्ष नहीं बना सकते हैं? और ये बात प्रधानमंत्री को बहुत तीखी लगी और उन्होंने फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल बने थे, उनको सेनाध्यक्ष नियुक्त किया. ये जानने के लिए, इस कहानी को जानने के लिए आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें, ये मैं आई बटन पे आपके साथ शेयर करूँगा. पर आर्मी के बारे में तो हमें पता है, पर नेवी और एयरफोर्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है. इंडियन नेवी के जो नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह, ये मालूम होगा. पर हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारे पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था रियर एडमिरल जॉन टैलबर्ट सेविनेक हॉल. 15 अगस्त को, ठीक बात है, ब्रिटिशर हमारे देश से गए थे और उन्होंने ही, वो उस वक्त कंटिन्यू कर रहे थे एज ए कमांडर इन चीफ ऑफ रॉयल इंडियन नेवी. उन्होंने अपनी कमांड, जो अपनी टेन्योर ख़त्म हो गया, वाइस एडमिरल विलियम एडवर्ड पैरी को दिया. उन्होंने, वाइस एडमिरल विलियम पैरी ने अपनी कमांड चार्ल्स थॉमस को दी, और चार्ल्स थॉमस जी ने ये कमांड वाइस एडमिरल स्टीफन होप को दी. ये सिलसिला, आपको ताज्जुब होगा, अप्रैल 1958 तक चलता रहा. यानी कि अप्रैल 1958 हमारी आज़ादी के 11 वर्ष बाद तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स नौसेना अध्यक्ष थे. इट इज़ ओनली इन अप्रैल 1958 वाइस एडमिरल रामदास कटारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. प्रथम 11 वर्ष के बाद, एयरफोर्स की बात करें, हमारे पहले वायुसेना अध्यक्ष जो थे, वर्तमान में सभी को बताया कि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हैं, पर जो पहले थे उनका नाम था एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट. सही बात है, इंडिपेंडेंस मिली थी तो उन्होंने कंटिन्यू किया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना अध्यक्ष. उनका समय ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपनी कमांड दी रोनल्ड चैपमैन, एयर मार्शल रोनल्ड चैपमैन को. रोनल्ड चैपमैन ने सर्व किया. 1950 में हमें पता है कि हमने 26 जनवरी को अपनी रिपब्लिक डे भी बनाना शुरू कर दिया था, पर ये कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई. रोनल्ड चैपमैन ने एयर मार्शल अर्नेस्ट गिब को अपनी कमांड दी, और ये भी सिलसिला चलता रहा अप्रैल 1954 तक, आज़ादी के 7 साल तक. तब जाकर अप्रैल 1954 में हमारे देश के इंडियन, फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ वॉज एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी. है ना बड़ी रोचक सी बात कि हमारे को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई, परंतु हमारे सेना के 3 अंगों के 2 अंग, यानी कि एयरफोर्स और नेवी की कमांड हमने ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रखी. आप सोचिए कि पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस का 2/3 हिस्सा आपका ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल और कमांड कर रहे थे,
और एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, किसी भी देश के लिए इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण होती है, और हमने अपनी इंटेलिजेंस भी ब्रिटिशर्स के हाथ में 1968 तक दे रखी थी। ये वाली जानकारी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे हम हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज MI5 को 1968 तक अपनी सारी खुफिया जानकारी देती थी, उनको रिपोर्ट करती थी। उनका एक अधिकारी हमारे देश में दिल्ली में बैठता था जो कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंग्लैंड में पहुंचाता था, ब्रिटेन में पहुंचाता था। तो आप समझेंगे कि क्या 1947 15 अगस्त को हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी या नहीं मिली थी, या तब भी हम मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, क्योंकि एयरफोर्स तो थी, मैंने बताया इंडियन नेवी भी थी और हमारी इंटेलिजेंस भी थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जय हिंद।